सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग बीके 24 स्टडी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो इस पूरे वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और एक एक पॉइंट को मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। इस वीडियो का डिटेल PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो कल की वीडियो का लिंक जो है मैंने वहाँ पर डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है, 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और ये दिवस मनाया क्यों जाता है, तो याद रखिएगा कि 3 दिसंबर 1971 को भारतीय क्षेत्र पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था। ठीक है, भारतीय कुछ क्षेत्रों पर जो है पाकिस्तान ने हमला कर दिया था 1971 में। और जब ये हमला किया गया था, तो जो पाकिस्तान का नौसेना मुख्यालय था कराची में, ये जो है इस हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। फिर क्या किया गया कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया, जिसके तहत जो है जो नौसेना मुख्यालय था कराची में पाकिस्तान का, ठीक है, इसको जो है तबाह कर दिया गया था। इस पे हमला किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा, ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि 4 दिसंबर को जो है हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान से जीत गए थे। तो ये काफ़ी एक अच्छा मौका था, जब पाकिस्तान को जो है उसके देश में जाके हमने सबक सिखाया था। ठीक है, तो उसी की खुशी में जो है हर साल 4 दिसंबर को हम लोग भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो ये हमला किया गया था, इसमें जो है पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके जो जहाज़ वगैरह थे, उन सभी जहाज़ों को जो है भारत की जो नौसेना थी उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो थोड़ा बहुत जानकारी रखिएगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो AN झा को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। और इससे पहले कौन थे वित्त सचिव, मैंने आपको बताया था, जो रिटायर हो रहे थे। तो याद रखिएगा कि इससे पहले जो वित्त सचिव थे हसमुख अधिया, ठीक है, हसमुख अधिया जो है वो 30 नवंबर को रिटायर हो गए, और इसकी जगह पर AN झा को जो है नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वित्त सचिव कौन है, तो आपको पता होना चाहिए AN झा है। इसके बाद थर्ड वाला है कि सीन्यू मैत्री 18 वायुसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है भारत और जापान के बीच में। ठीक है, भारत और जापान के बीच में सीन्यू मैत्री 18 का आयोजन जो है शुरू हुआ है, और 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा, वायुसेना अभ्यास ही। ठीक है, इसका जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ये आपको बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जो वायुसेना स्टेशन है, यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। इसका विषय रखा गया है, जो ये आयोजन हो रहा है इसका विषय रखा गया है परिवहन विमान पर संयुक्त गतिशीलता एवं मानवीय सहायता तथा आपात राहत। सिंपल भाषा में बोलें तो इसका जो मेन मकसद है, जो ये अभ्यास हो रहा है दोनों वायुसेनाओं के बीच में, भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच में, तो इसका उद्देश्य है अगर कोई भी आपात की स्थिति आती है तो किस तरीके से जो है एक मतलब आपात राहत का जो है एक ऑपरेशन चलाया जाए साथ में मिलकर। ठीक है, तो उसी के लिए जो है ये एक अभ्यास किया जा रहा है दोनों देशों के बीच में 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फोर्थ वाला देख लीजिए कि हाल ही में निम्न में से कौन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की न्यायाधीश समिति के 7 सदस्यों में से एक चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या है, पवन सिंह। ठीक है, पवन सिंह जो है वो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की जो न्यायाधीश समिति के जो 7 सदस्य हैं उनमें से एक चुने गए हैं, और इस प्रकार ये पहले भारतीय बन गए हैं इस पद पर चुने जाने वाले। वर्तमान में जो है पवन सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी जो है संयुक्त महासचिव हैं। तो अब इनको यहाँ पर जो है ISSF में जाने का मौका मिला है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में जाने का मौका मिला है। ठीक है, इसके 7 न्यायाधीश जो सदस्य हैं न्यायाधीश समिति के, उन सदस्यों में से एक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगर आपको ध्यान होगा तो हाल ही में रणिंदर सिंह को जो है इसी फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो ये भी जो है पहले भारतीय बने थे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष के पद पे नियुक्त होने वाले। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे, और दोनों क्वेश्चन का अपना महत्व है, और एग्ज़ाम के लिए दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए।
इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में भालुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर है आगरा में। भालुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आगरा में किया जा रहा है, आगरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें 11 देशों के जो है 80 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे इस सम्मेलन में। तो इस हिसाब को यहाँ से पता होना चाहिए सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो भालुओं और अन्य जंगली जानवरों की देखभाल और संरक्षण करना इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा। अब क्योंकि आगरा जो है उत्तर प्रदेश में है और इससे पहले भी एक क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश का आ चुका है, तो हम दोनों के बारे में जो है साथ में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिले हैं यहाँ पर 75, राजभाषा है हिंदी और उर्दू। ठीक है, तो उर्दू द्वितीय राजभाषा है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। राज्यपाल हैं राम नाईक। मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसी तरीके से मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर हैं। विधानमंडल जो है की अगर बात करें तो 2 सदन है यहाँ पर। विधान परिषद में जो है 100 सदस्य हैं और इसी तरीके से विधानसभा में 1 सीट जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती है, यानी कि टोटल 404 सीटें हैं विधानसभा के लिए। राज्यसभा के लिए 31 सीटें और लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर किसके लिए कितनी सीटें हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद छठा क्वेश्चन है कि 2 दिसंबर को इमरान हुसैन को पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमको बताना है कि किस राज्य के पर्यावरण मंत्री हैं, तो याद रखिएगा कि वे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं। इस हिसाब को ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से बना दिया है, क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए जो है पॉइंट वाइज बताता हूँ ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए आप आराम से कर ले जाएंगे। पर्यावरण मंत्री हैं इमरान हुसैन दिल्ली सरकार में और इन्हीं को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद होनी चाहिए। याद रखिएगा कि जो पुरस्कार इनको दिया गया है वो दिया गया है चाइनीज़ मांजा को पूरी तरह से बैन करने के कारण। ठीक है, तो एक्चुअली मैं हो क्या रहा था, चाइनीज़ मांजा की वजह से जो है कई पक्षियों की जान जा रही थी और साथ ही साथ जो है इससे ना सिर्फ पक्षियों की बल्कि कई लोग भी जो है इससे दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिसकी वजह से जो है चाइनीज़ मांजा को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो बाद में ये भी कहा गया, कई रिपोर्ट्स आई कि चाइनीज़ मांजा की वजह से जो है पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, तो इस वजह से जो है इसको पूरी तरीके से दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके कारण जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इमरान हुसैन को, तो ध्यान रखिएगा। पेटा की अगर हमने बात की तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो इस हिसाब को यहाँ से पता होना चाहिए। पेटा का मुख्यालय जो है वो है नॉरफोल्क, जो कि वर्जीनिया में पड़ता है, वर्जीनिया है USA में। तो इसे ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष हैं इनग्रीड न्यूक्रिक। ठीक है, तो वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं पेटा के, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। दिल्ली की अगर हमने बात की तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल की बात करें तो अनिल बेजल। मुख्य न्यायाधीश हैं दिल्ली के राजेंद्र मेनन। इसी तरीके से विधानसभा में जो है दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें और राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं। ठीक है, तो लोकसभा के लिए 7 सीटें हो जाएंगी और राज्यसभा के लिए 3 सीटें हो जाएंगी और दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। साक्षरता दर की बात करें तो 86.21% जो है वो दिल्ली की साक्षरता दर है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। सातवां क्वेश्चन है कि 5 दिसंबर से जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। 5 दिसंबर से जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। बेसिकली 5 से 7 दिसंबर तक जो है इसका आयोजन हो रहा है और इसमें बेसिकली जल से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं जो अभी मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो गंगा सफाई अभियान हो गया या फिर किसी क्षेत्र में जल समस्या हो गई, उन सभी के बारे में जो है इस शिखर सम्मेलन में बात की जाएगी। तो 5 तारीख से 7 तारीख तक इसका आयोजन होगा। ठीक है, तो इस हिसाब को यहाँ से पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है जॉन रिजॉन। जॉन रिजॉन को जो है अभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का। 3 दिसंबर को जो है इनके नाम की घोषणा की गई है और जल्दी जो है ये इस पद पर नियुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोनाको में इसका मुख्यालय पड़ता है, ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9th है कि हाल ही में निम्न में से किसने अल्ट्रा रनिंग में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता है, तो इसका सही आंसर है उल्लास नारायण। ओके, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन बन के आएगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अल्ट्रा रनिंग में भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता है वो जीता है उल्लास नारायण ने। कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया है।
दसवां क्वेश्चन है कि 4 दिसंबर को किस देश में गांधी जायद डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर है यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात में 4 दिसंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और संयुक्त अरब अमीरात के जो विदेश मंत्री हैं शेख अब्दुल्ला, इनने मिलकर अबू धाबी में गांधी जायद डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, तो यहीं पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो गांधी जाया डिजिटल संग्रहालय है, याद रखिएगा कि जो संग्रहालय है इसमें महात्मा गांधी और मॉडर्न यूएई के संस्थापक शेख जायद के जीवन कार्यों और दर्शन की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब बात करते हैं कल के कुछ क्वेश्चन की। यहाँ पर से मैंने यूएई की जो है मुद्रा नहीं बताई थी, यूएई की मुद्रा दिरहम है, इस चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है यूएई सॉरी मुद्रा वगैरह एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब कल के कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि युगांडा की मुद्रा क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन काफ़ी लोगों का ये आंसर गलत आया। इसका सही आंसर क्या था, सिलिंग। युगांडा की जो मुद्रा है वो है सिलिंग, तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्कूली बच्चों को 22 भाषाओं को सिखाने के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया है। तो उसका सही आंसर है भाषा संगम। भाषा संगम को जो है शुरू किया गया है, जिसमें के तहत कि जो हम स्कूली बच्चे हैं उनको देश की जो 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है, उन भाषाओं को सीखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ई दृष्टि नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो रेल मंत्रालय ने ई दृष्टि सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अब बात करते हैं आपके लिए आज के कुछ प्रश्नों की, जिसमें से पहला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, मुझे कमेंट करके बताइए। सिंपल है, जब मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम अगर आपको बताओगी तो आप लोग थीम भी बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसके द्वारा जीता गया। तो बताइए इनमें से कौन से हैं वो जिन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब अपने नाम किया है। ओके, तो इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ वो कौन से देश के हैं अगर आपको पता होगा तो देश का नाम भी लिख दीजिएगा साथ में। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।